हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं अखिलेश कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल नवनीत एकेडमी आलय में विद्यालय में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लास 10th का 4th चैप्टर है। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे बेटा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, इन सब चीजों के बारे में आप जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मीनिंग को ही समझ लेते हैं बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? देखिए, इस चैप्टर से पहले हमने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में भी लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया था। आपको अगर याद हो तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता था बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल आपने बताया होगा कि अगर किसी भी वेरिएबल के हाईएस्ट पावर 1 है तो आप क्या कहेंगे? उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। ऐसे क्वाड्रेटिक में आपने पढ़ा होगा, अगर हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता था। तो ऐसे ही इस चैप्टर में भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? देखिए, इट इज एन इक्वेशन दैट कंटेन एटलीस्ट वन टर्म इज स्क्वायर्ड। मीन कोई भी एक्सप्रेशन है, कोई भी इक्वेशन है, अगर उस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 2 है, या आप कह सकते हो कि उस इक्वेशन के अगर डिग्री 2 है, तो आप उसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे बेटा। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अगर देखिए, अगर ये इक्वल्स टू जीरो नहीं होता तो आप इसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है, बट इक्वल्स टू का साइन आते ही और ये जीरो होते ही ये क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज दैट क्लियर? इतनी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी बेटा। अब देखिए, यहाँ पे वेरिएबल के हाईएस्ट पावर क्या है? ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, लेकिन मैंने क्या बोला? हाईएस्ट पावर देखनी है। यहाँ पर एक्स की पावर 1 है, यहाँ पर एक्स की पावर क्या है? 2 है। तो हाईएस्ट क्या होगी? 2। तो ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक। अगर ये पोर्शन नहीं होता, सिर्फ बी एक्स प्लस सी होता, तो क्या ये क्वाड्रेटिक होता? नहीं होता बेटा। तो फिर क्या होता? ये लीनियर होता, क्योंकि हाईएस्ट पावर फिर 1 हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें ए, बी और सी क्या है? आपने पढ़ा होगा, इसमें ए है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है, बी जो है एक्स का कोफिशियंट है, सी जो है कॉन्स्टेंट टर्म है। अब देखो, एक कंडीशन क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए, कि ये जो ए है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे क्यों, कैसे? अब देखो, अगर एक्स की वैल्यू जीरो हो गई और जीरो को अगर मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। अगर ये पूरी टर्म जीरो हो गई तो क्या फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? नहीं होगा बेटा। ये टर्म अगर जीरो हो गई तो आपके पास बी एक्स प्लस सी बचा, बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं, क्या होगा? लीनियर इक्वेशन होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक कंडीशन क्या दे दी कि ए जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। बी आपका एक बार जीरो हो जाए चलेगा, क्योंकि अगर बी वाली वैल्यू जीरो हो जाए तो ये जीरो हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। अभी भी एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो इसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हो, और सी अगर जीरो हो जाए तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, बट ए जीरो नहीं होना चाहिए बेटा। क्यों? अभी मैंने बता दिया कि अगर ए जीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर वाली पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। ये समझ में आ गया? तो ये कंडीशन क्या है कि ए जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपके रियल लाइफ में भी कई जगह यूज होता है बेटा। अगर आप देखें तो देखो, जब भी आप नॉर्मली देखो एक क्रिकेट मैच में, जब भी कोई प्लेयर सिक्स मारता है तो सिक्स मारते वक्त ये बैट है, ये कुछ ऐसी बाउंड्री के पार बॉल जाती है, तो ये वाली चीज फाइंड करने के लिए भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत पड़ती है बेटा। ठीक है, मींस डेली लाइफ में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी बहुत ज्यादा यूज होता है। अब एक फाउंटेन भी देखा होगा आपने, जो पार्क वगैरह में लगे होते हैं या फिर किसी होटल वगैरह में ऐसे लगे होते हैं फाउंटेन वगैरह, तो ये फाउंटेन की जो रेंज है
ये चीज भी फाइंड करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बेटा आपकी लाइफ में, तो इस चीज को आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा। आप अगर बड़ी क्लासेस, अभी तो आप टेंथ में पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें, आप जैसे ही इलेवेंथ और ट्वेल्थ में जाएंगे तो इसके बारे में डीप से पढ़ेंगे बेटा। डीप में पढ़ने के लिए आपको बेसिक चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। तो ध्यान से देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझा दिया मैंने क्या होती है। अगर किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ए क्या है आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो ए जीरो नहीं होना चाहिए। ए बी सी क्या है, रियल नंबर है बेटा, रियल नंबर है, ये सारी चीजें क्लियर है। अब देखो इस चैप्टर में और क्या पढ़ने वाले हैं, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किन तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, किन तरीकों से सॉल्व करके हम उनके रूट्स या उनके जीरोस निकाल सकते हैं। अब देखिए, आपने पॉलिनोमियल वाले केस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व किया होगा, तो वहां से आपको क्या आया होगा, दो जीरोस आए होंगे, ठीक है। तो उस चैप्टर में हम जीरोस बोलते हैं, यहां पर क्या है इक्वेशंस है, तो यहां पर हम रूट बोलेंगे कि रूट निकालिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट निकालिए, ठीक है। रूट और जीरो एक ही चीज है, बट पॉलिनोमियल था तो इसलिए हमने जीरो बोला है। ये क्या है, इक्वेशन है, तो यहां पर हम रूट कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैलकुलेट करने के एक चार तरीके हैं बेटा। फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके हम रूट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, और एक है चौथा ग्राफिंग मेथड, जो कि हमारे कोर्स में ये मेथड अभी है नहीं, मींस टेंथ में ये वाला है नहीं अभी। इन तीनों के ही बारे में पढ़ेंगे टेंथ में, फैक्टराइज, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इन तीनों मेथड को यूज करके हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्या निकालेंगे बेटा, रूट्स निकालेंगे। एक चीज और बता दूं मैं, अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लीजिए 2x² + 5x + 3 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इसकी कितने रूट्स निकाल सकते हो या कितने जीरोस निकालोगे, तो सोचने की कोई बात नहीं है बेटा, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो ही रूट्स निकलेंगे, दो ही जीरोस निकलेंगे बेटा इसमें। अब ये कैसे पता चला, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या थी, 2 थी, और 2 है तो क्वाड्रेटिक बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोस या रूट जो है दो ही निकलेंगे, लीनियर इक्वेशन में रूट एक ही निकलेगा, क्यूबिक अगर कोई इक्वेशन है तो उसमें रूट तीन निकलेंगे बेटा, इनसे ज्यादा नहीं निकल सकते, ठीक है, समझ में आ गया। आप इसे सॉल्व करेंगे देखेंगे तो दो ही सॉल्यूशन निकलेंगे, दो से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं होंगे जो इस इक्वेशन को या किसी भी इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर सके। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं तो उसके दो ही सॉल्यूशन निकलेंगे, दो ही रूट निकलेंगे। अगर कोई लीनियर इक्वेशन है तो उसके एक ही सॉल्यूशन निकलेंगे बेटा, एक ही रूट एक ही जीरोस निकलेंगे, अगर पॉलिनोमियल वाला केस है तो। क्लियर, इक्वेशन पॉलिनोमियल वाले केस को तो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, और बाद में क्या डिस्कस करेंगे बेटा वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने देख ली, अब एक चीज और देखिए, अब अगर आपसे पूछे कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, एक तो हमें अभी बताया कि इसको देखते ही हम बता देंगे क्या, कि x की पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसे होगा। इसमें भी क्या है, x की हाईएस्ट पावर 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट देखिए x + 1 x + 5 = 2x। अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, इस चीज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बेटा। अब देखिए, इसमें तो आपने देखते ही बता दिया कि हाईएस्ट पावर भाई 2 है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाईएस्ट पावर 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट यहां पर तो कुछ ऐसा पता नहीं चल रहा है, आप तो कहेंगे भाई लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, बट नहीं बेटा, इसे आप एक दो स्टेप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद आप बताएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए ब्रैकेट से, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे x², x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस का 5x, 1 को x से करेंगे 1x एंड 1 को 5 से करेंगे 5। तो इस तरीके से आपने ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई कर लिया, मींस x को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई किया,
इस तरफ क्या है आपका 2x है, देखिए क्या आएगा एक्स स्क्वायर 5x और x 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 2x। अब देखिए आप क्या देखते हैं यहाँ पे वेरिएबल के हाईएस्ट पावर क्या आ गई, आप आगे सॉल्व किए बगैर भी आप एकाध स्टेप के पहले भी आप बता सकते होंगे, जैसे आपने इस स्टेप को किया देन इसको कर लिया, अब आगे सॉल्व ना करके भी आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए हाईएस्ट पावर क्या x की 2 है, बट कंडीशन दैट इक्वल्स टू में भी एक्स स्क्वायर नहीं आना चाहिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, कुछ केसेस आएंगे जो एक्स स्क्वायर इस तरफ भी होगा और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के इस तरफ भी होगा, तो वहां पर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बेटा, कैंसिल होकर अगर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनेगी ही नहीं। मीन्स आप अगर ओवरऑल देखें तो आपको क्या ढूंढना है, पूरे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर ढूंढना है जो कि कैंसिल आउट नहीं होना चाहिए, और एक्स स्क्वायर से भी बड़ी टर्म नहीं आनी चाहिए, एक्स क्यूब नहीं आनी चाहिए, एक्स की पावर 4 नहीं आनी चाहिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर मैक्सिमम पावर होनी चाहिए किसी भी क्वाड्रेटिक किसी भी इक्वेशन की, ठीक है, तो ही हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहेंगे। जैसा कि इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर आ गया था, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर आ गया था 6x प्लस 5 2x, अब 2x को आप इस तरफ लेकर आए देखो क्या हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो आप क्या देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, अगर आप पूरा सॉल्व कर लें तो देखो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सी बनेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी भी इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बता सकते हैं, क्लियर है। चलिए अब एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं कि कैसे बताओगे आप, ये देखो कुछ ऐसा भी हो सकता है एक्स प्लस 1, x प्लस 2, देन x, x प्लस 1। अब इसे कैसे बताओगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो इसे भी हम कुछ स्टेप्स तक सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे x को x से मल्टीप्लाई कर लो x स्क्वायर हो गया, x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2x हो गया, 1 को भी मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा, 1 को x से करेंगे 1x हो गया, और 1 को 2 से करेंगे 2 हो गया, ठीक है, और इस साइड भी सॉल्व कर लीजिए x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर हो गया, x को 1 से करेंगे तो x हो गया। अब एक चीज देखिए x स्क्वायर इस तरफ भी है, x स्क्वायर इक्वल्स टू इस तरफ भी है, अभी मैंने बताया था अगर दोनों तरफ x स्क्वायर आ जाए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल आउट होते ही आप देखेंगे कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या रहेगी 1 रहेगी, तो जब 1 रहेगी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हुआ ही नहीं, मीन्स अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, चाहे वो फॉर्मूला लग रहा हो चाहे वो मल्टीप्लाई करना पड़ रहा हो, उसको करने के बाद आप फाइनली देख पाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है या नहीं बन रही, ठीक है। इसमें कुछ फॉर्मूले क्या याद रख लेना, अगर आया तो जैसे x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया और इक्वल्स टू 2x आ गया, ठीक है, अब इसे बताना है कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसे भी सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मतलब x इंटू बी मतलब 1, और ये क्या है इक्वल्स टू के इस तरफ 2x। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और ये प्लस 2x है इस तरफ आकर माइनस 2x हो जाएगा इक्वल टू 0, अगर ये 2x से 2x कैंसिल हो रहा है तो कोई बात नहीं, x स्क्वायर तो कैंसिल ही हुआ है, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो हाईएस्ट पावर अभी भी देखने को मिल रही है आपकी 2 है, मींस अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपका ये क्वेश्चन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके इक्वेशंस को सॉल्व करके आप बता पाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों ने देखी ली, ये चार मेथड है, चार मेथड में से ये चौथा मेथड अभी आपके सिलेबस में नहीं है, इसे आप 11th 12th में बहुत अच्छे से ग्राफिकली पढ़ेंगे, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, आप इन्हीं तीनों मेथड के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो आपने देखा कि इस चैप्टर में अभी क्या क्या चीजें आपको करनी है, इसके इंट्रोडक्शन देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है,
किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर कोई भी डाउट आए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड तो प्लीज बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्लासेस में हम इन तीनों मेथड को एक एक करके इजिली और सिंपल वे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो बेटा प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।